अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई आई युवा इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे तीन अहम टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिशन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट चेक करने का और अपना मेरिट चेक करने का क्या प्रोसेस है। दूसरी ये बात कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके बाद आप किन किन मराहिल से गुजर कर या किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एडमिशन हासिल करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि नए आने वाले स्टूडेंट्स की और प्रीवियस लड़के जो अभी तक डिग्री जिनकी चल रही है उनकी नई क्लासेस का आगाज़ किस डेट से होगा। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपनी मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करेंगे। यूनिवर्सिटी वेबसाइट के मेन पेज पर जाकर किसी भी एक ब्राउज़र से आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखेंगे। यूनिवर्सिटी वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर जहां पर आपने एडमिशन्स का फॉर्म फिल किया था उसके बिल्कुल नीचे आपको रीसेंट रिजल्ट्स लिखा नज़र आएगा या टेस्ट रिजल्ट्स लिखा नज़र आएगा। आप उस बार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको एक बार आइकन नज़र आएगा जिसमें आप अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम सेलेक्ट कर अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ रीसेंट रिजल्ट्स का एक ऑप्शन होगा जिस पर क्लिक कर आप अपनी मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम लिस्ट हमारे फेसबुक पेज पर या हमारी सोशल मीडिया टीम के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी अगर बात डिस्कस की जाए कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन को सिक्योर कैसे करेंगे। मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में मौजूद है तो आप एडमिन ऑफिस से रब्ता करेंगे, वहाँ से अपना फीस सलान फॉर्म और ऑफर लेटर वहाँ से अपना लेंगे। ऑफर लेटर के बाद फीस सलान पे करने के बाद आप ज्वाइनिंग फॉर्म लेंगे। ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर 5 फोटोग्राफ्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी, अटेस्टेड सेट, अंडरटेकिंग, पेड फी चालान के साथ और एक स्टाम्प पेपर के साथ आप आएंगे और उसको जमा करवाएंगे। तमाम मेल स्टूडेंट्स के लिए इतला है कि आप HBL की किसी भी ब्रांच के अंदर अपना फीस चालान पे कर सकते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर अपना फी चालान पे कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि नए सेमेस्टर क्लासेस का आगाज़ कब किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के दिए गए शेड्यूल के मुताबिक 6 सितंबर 2021 से नई क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। तब तक अपना और अपने तमाम अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।